जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, वैसे वैसे लोग और भी जोशीले नज़र आ रहे हैं। लेकिन हर साल कुर्बानी के जानवरों की कीमत इतनी बढ़ती जा रही है कि कुर्बानी आम आदमी की इस्तेमाल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। मगर अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगे तरीन जानवर खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की मंडियों में अब तक बेचे गए 10 सबसे महंगे बुल दिखाएंगे, जिनकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके मुँह खुले के खुले रह जाएंगे। ऐसी ही मजेदार और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का इनसाइड फैक्ट का सफर स्टार्ट होता है अब से। नंबर 10, साहिवाली। दोस्तों, सहराब गोट के अफरीदी कैटल फॉर्म के जानवर किसी से कम नहीं हैं। इसके तकरीबन हर बैल की कीमत आसमान को छूती नजर आती है, लेकिन यहाँ नजर आने वाला हर बैल अपनी मिसाल आप है। जैसा कि हम आपको साहिवाली से मिलवाते हैं, जिसकी भारी जालर, लटकते हुए कान, ढीला जिस्म और इसके अलावा बड़ी नाक इसकी पहचान है। साहिवाली बैल का अगला और पिछला हिस्सा काला नजर आएगा। इसके मालिक का कहना है कि वो इसे देसी चारा और काजू पिस्ता बादाम खिलाता है। साहिवाली का वजन 55 मन से कम नहीं और इसको खरीदने वाले ने भी कंजूसी नहीं की थी, जो इसे 75 लाख में खरीद के ले गया। नंबर 9, सिब्बी बगनाड़ी। दोस्तों, ये बैल सिब्बी के बादशाह के नाम से भी मशहूर हुआ, क्योंकि बगनाड़ी ने सिब्बी मेले की परेड में पहली पोजीशन हासिल की थी। सिब्बी मेला पाकिस्तान में सूबा बलोचिस्तान में मुनक्किद किया जाता है, जहां हर साल पाकिस्तान भर से लोग अपने अपने जानवर को मुख्तलिफ खेलों में शामिल करने के लिए लाते हैं। और इस बार तो सिब्बी बगनाड़ी बुल के 8 फुट लम्बे कद, भारी जिसामत और खूबसूरत नैन नक्श ने सिब्बी मेला लूट लिया था। इस जानवर के मालिक का कहना था कि रोजाना 20 किलो दूध और देसी घी इसकी खुराक का लाजमी हिस्सा है। इसका वजन 25 मन तक पहुंच चुका है और इसकी कीमत 60 लाख तक देखी गई है। नंबर 8, फखरे चोलिस्तानी। दोस्तों, अब हम आपको अफरीदी कैटल फॉर्म की एक और रौनक दिखाते हैं, जिसका नाम फखरे चोलिस्तानी है। जब इसके मालिक से इसके नाम की वजह पूछी गई, तो उसका बताना था कि ये अब तक का चोलिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती का पूरे चोलिस्तान में कोई मुकाबला नहीं। आप इस वीडियो में इस बैल को देख के इस बात से इत्तफाक भी करेंगे, क्योंकि सफेद रंग पे ब्राउन रंग के डॉट्स अभी तक किसी बैल की जीनत नहीं बने। फखरे चोलिस्तान भी 75 लाख में बेचा गया था। नंबर 7, प्योर चोलिस्तानी। दोस्तों, हर साल सुरमा वाला कैटल फॉर्म में ऐसे ऐसे कुर्बानी के बैल लाए जाते हैं कि खरीदने वाला जिस बैल को भी देखेगा पिछले बैल को भूल जाता है। इसी तरह यहाँ पर लाया गया ये जानवर, जिसका नाम प्योर चोलिस्तानी है। इसका वजन 25 मन तक होगा और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्योर चोलिस्तानी का प्योर सफेद रंग इसकी शान है। प्योर चोलिस्तानी सुरमा वाला कैटल फॉर्म का अब तक बेचा गया सबसे महंगा तीसरा जानवर है, जिसकी कीमत 65 लाख तक फाइनल हुई थी। नंबर 6, लाली। दोस्तों, अब हम आपको कराची के सुरमा वाला कैटल फॉर्म में मौजूद एक और नहायत खूबसूरत और सेहतमंद बैल दिखाते हैं, जो ब्राह्मण नस्ल से ताल्लुक रखता है। लाली की खास भूरी रंगत और चमकती खाल इसकी खूबसूरत को बढ़ा रही है। ये जानवर इस खुश नसीब के पास गया जिसने इसे 65 लाख की कीमत में खरीदा है। नंबर 5, सुल्तान। दोस्तों, अब हम आपको अफरीदी कैटल फॉर्म में लाया गया एक और खूबसूरत बैल दिखाएंगे, जिसका नाम सुल्तान है। और हमारी ये वीडियो देखकर आप मान जाएंगे कि वाकई इस बैल का नाम सुल्तान के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। सुल्तान का प्योर काला रंग और चमकती हुई खाल इसकी शानो शौकत को बढ़ा रही है। सुल्तान कोई आम बैल नहीं, बल्कि 2 आला किस्म के बैलों की ब्रीड की वजह से है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा बैल देखा गया है और सुल्तान जब दौड़ेगा तो हर एक भी अपना रोब झाड़ जाएगा। लेकिन सुल्तान को भी इतने ज्यादा खूबसूरत होने के बावजूद भी 85 लाख में ही बेचा गया है। नंबर 4, जैस्मीन।
दोस्तों अफरीदी कैटल फॉर्म में आप जैस्मिन को देखने के बाद बाकी सब बैल को भूल जाएंगे, क्योंकि जैस्मिन की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। ये बैल जब चल रहा होता है तो इसकी खूबसूरत झालर और इसकी चाल का अंदाज इसके रोब को बढ़ाता जाएगा, और यकीनन आप स्क्रीन पर जैस्मिन का भारी और कदोकामत वाला जिस्म और इसकी खूबसूरत खाल देखकर इसके सहर में जकड़ते जा रहे होंगे। इस बैल को अपनी जगह से हिलाने के लिए भी इस इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और इस बैल के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, मगर ये आखिरकार 85 लाख की कीमत तक फाइनल हुआ और इस कैटल फॉर्म से निकलकर किसी और घर का मेहमान बन गया। नंबर 3 K2। दोस्तों सुरमा वाला का सबसे महंगा और बड़ा बैल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसने K2 के नाम से शोहरत पाई क्योंकि इसका कद दूसरे बैलों से वाकई बड़ा है। K2 की नस्ल ब्राह्मण है और इसका वजन किया गया तो ये 45 मन का बैल मालूम हुआ। K2 को लोग दूर दूर से देखने आते रहे और इस फॉर्म में ये सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। K2 कराची किंग के नाम से भी काफी मशहूर हुआ है और ये ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में भी महंगा तीन जानवर बेचा गया है, जिसकी कीमत पूरे 1 करोड़ तय पाई थी, और आप अंदाजा लगाएं कि इसको खरीदने वाला कितना खुश नसीब होगा। नंबर 2 बादल। दोस्तों सुरमा वाला कैटल फॉर्म में आपको एक और बैल से मिलवाते हैं जिसका नाम बादल है, और जब बादल सुरमा वाला के कैटल फॉर्म में एंटर हुआ तो जैसे ही बादल आया पूरी गूंज से छा गया। ये भी ब्राह्मण नस्ल का बैल है, इसके ऊपर की खाल भूरे रंग की है और इसके चलने का स्टाइल ऐसा है जैसे ये मटक मटक के चल रहा हो। सुरमा वाला कैटल फॉर्म में बादल की कीमत 80 लाख तक फाइनल हुई, जिसे इसके मालिक अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले गए। नंबर 1 पर जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल इनसाइड फैक्ट को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आप आने वाले वक्त में भी ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन से मुस्तफीर हो सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो। नंबर 1 कुतुब मीनार। दोस्तों ये बैल कराची सहराब गोट मंडी में रखा गया था। इसका नाम कुतुब मीनार है क्योंकि इसके कद और इसके भारी भरकम जिस्म ने देखने वाले को हैरान कर दिया है, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसका वजन 1600 किलोग्राम से भी ज्यादा देखा गया है। कुतुब मीनार भी अब तक के बेचे गए जानवरों की टॉप लिस्ट में है, क्योंकि ये खूबसूरत बैल 1 करोड़ की कीमत में बेचा गया था और इसका अकेला हार ही 5 लाख का पहनाया गया था, जो कि सच में ही भरा ही हैरानगुन है। तो दोस्तों ये थे कुर्बानी के बैल, जिन्हें देखकर आपके होश तो यकीनन उड़ चुके होंगे। इनमें से कौन सा बैल आपको ज्यादा खूबसूरत लगा कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ इश्फाक अहमद को दें इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इनसाइड फैक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।